हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो बात करेंगे यामिनी इन्वेस्टमेंट शेयर के बारे में। 0.91 करेंट प्राइस है एंड लास्ट सेशन में -3.19% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। दिस इज़ रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है बिकॉज टारगेट्स बताऊँगी। 52 वीक लो है 0.42 एंड हाई है 3.06। सो फ्रेंड्स, क्या आपको स्पेनिश स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं जानेंगे। आज इम्पॉर्टेंट अपडेट है, आज इसका रिजल्ट भी आने वाला है जून क्वार्टर का। तो मार्केट कैप 47 करोड़ का है, ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है, लोगों ने ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लोन से रिलेटेड कंपनी है, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, फाइनेंस सेक्टर का एक पेनी स्टॉक है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा पेनी स्टॉक पर उतना कीजिए जितना रिस्क ले सकते हैं। 0.93 इंपॉर्टेंट फर्स्ट रेजिस्टेंस है, देन 0.96, देन 0.97, एंड अगर और डाउन ट्रेंड जाएगा तो सपोर्ट ले सकता है 0.89, 0.88 एंड 0.85। बट वीडियो के एंड में जो टारगेट्स मैं आपको दूंगी आपको रखना है, ये तो बहुत ही नियर नियर के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते हैं। सो वॉल्यूम कैसा है, क्या लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो देखिए 16 लाख का वॉल्यूम है ओनली लास्ट सेशन में एंड 100% डिलीवरी उठाई है। मतलब जो भी बाय कर रहा है इसको डेफिनेटली होल्ड कर रहा है बिकॉज आज इसका रिजल्ट आने वाला है, और अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। लास्ट रिजल्ट लो आया था, डाउन हुआ था इनकी नेट सेल्स 33% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आज का रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि पेनी स्टॉक में आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर रिजल्ट अच्छा आता है या कोई भी गुड न्यूज़ आती है। 100% लोग बोलते हैं शेयर को बाय करना चाहिए, बट फ्रेंड्स आपको हमेशा उतना इन्वेस्टमेंट करना है जितना आप रिस्क ले सकते हैं। पेनी स्टॉक में थोड़ा पैसा लगाइए और अच्छा रिटर्न बनाते रहिए। सो ऑफिशियल अनाउंसमेंट बता देती हूँ आपको, लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट वही है कि रिजल्ट आएगा आज के दिन 23 जुलाई को। लास्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई थी रिजल्ट से रिलेटेड, तो रिजल्ट आने वाला है आज मिड आफ्टरनून या इवनिंग तक रिजल्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर बता दूंगी, इसलिए बेल बटन को प्रेस कर लेना। प्रोमोटर्स होल्डिंग जानते हैं बिकॉज पेनी स्टॉक में प्रोमोटर्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग जानते हैं या जानते हैं FII DII की कोई इन्वेस्टमेंट है इस छोटे से पेनी स्टॉक में या नहीं। सो प्रोमोटर होल्डिंग है 3.68% एंड DII की होल्डिंग बहुत कम है 0.04%, बाकी सारी होल्डिंग पब्लिक की है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रोमोटर्स ज़्यादा एक्टिव नहीं है शेयर में, बट हाँ रिजल्ट अच्छा आता है तो माइट बी प्रोमोटर्स भी एंट्री ज़रूर लेंगे। टारगेट्स आपने मंडे के लिए क्या लेके चलने हैं, 0.95 का टारगेट आपको लेके चलना है अप ट्रेंड में, एंड लोअर साइड आप लेके चलिए 0.87 का। बट रिजल्ट पे मूवमेंट कहाँ की होगी वो रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फ्रेंड जैसे ही रिजल्ट आएगा और मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको इसके मूवमेंट मतलब अपर साइड का एक्सपेक्ट हम ज़्यादा कर सकते हैं या लोअर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को, वो बताऊंगी मैं। थैंक यू सो मच।